الله أكبر الله أكبر देख लो जरा अभी तक सो रहे, हर वक्त सोता रहता है ये। वो लाइटें भी जला के सोया हुआ है। वाह, पैसे तो दरख्तों पे उगते हैं ना, अभी बताता हूँ इसे। चलो शाबा टीटू, उठो, तुमने नमाज नहीं पढ़नी, फजर की अजान हो गई है। चलो उठो, अभी इसी वक्त नमाज पढ़ो फजर की। टीटू उठ जाओ, तुमने नमाज नहीं पढ़नी फजर की, काफिर। टीटू उठ जा, ओ टीटू उठ जा। क्या है, उठ गया है? नहीं नहीं, मैं कब उठाऊं, हवाई जहाज उड़ा रहा हूं, अभी लैंडिंग होने लगी है बस। ओए तू अपने बाप से जुबान चलाता है, बदतमीज। कैमरामैन जूता पकड़ा। ओह नो, आई आ, ओए आई। हाँ, आज के बाद ना बाप के साथ जुबान चलाने से पहले 100 दफा सोची कि तुझे आज कितने जूते पड़े थे। ये ले कैमरामैन, रख ले। एक तो क्या फजूल कैमरामैन हायर किया हुआ है। आह, बड़ी जोर की मारी है बाबा आपने। चल उठ के नमाज पढ़, बड़ा दीन याद आ गया आज आपको। बेटा ये जो दीन होता है ना, ये याद नहीं आता, दिलों में बसा होता है, दिलों में। ये तो अंग्रेजों ने हमारे बच्चों को खराब करके रख दिया। कौन है वो, ये मैकडोनल्ड ट्रंप। चल उठ के नमाज पढ़। यार फजर की नमाज के लिए इतना मार मार के कौन उठाता है? माना मेरे पापा हैं, लेकिन फिर भी कम से कम इतना सा ही ला दें, एक दो थप्पड़ ही मार दे, मैं तब भी उठ जाऊंगा। लेकिन जूते मार मार के उठा दिया। चलो अब उठा ही दिया तो आज नमाज पढ़ ही लेते हैं। 12 seconds later. More moments later. यार ये कजन प्रोडक्शन की वीडियो तो सही में बहुत ज्यादा कमाल की हैं। हैं, ये किसका फोन है? ओ ये तो टोनी है। हाँ चलो, लॉकडाउन में भी इससे बात नहीं हुई, अब जरा हाल चाल पूछ लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम टोनी, कैसा है यार? मैं तो ठीक हूँ यार, तू सुना, तू कैसा है? हाँ मैं भी ठीक हूँ, और सुना क्या चल रहा है? हमारे यहाँ पे तो पंखा चल रहा है। ओहो, मेरे कहने का मतलब है तूने फोन कैसे किया है? यार पका ना। नहीं यार, मैं तो नहीं पका रहा, मेरी मामा पका रही है। ओह टोनी, मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू। जिस चीज को इस्तेमाल ही नहीं किया वो खराब तो होगी। मैंने फोन काट देना है। तू फोन काटेगा तो तेरे दांत नहीं टूटेंगे। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मैं बस फोन काटने लगा हूं। सॉरी यार, सॉरी, अब नहीं मजाक करूंगा। हां चल बोल, किसके लिए फोन किया है? यार तू फिर से सस्ती लाइनें मारने लग गया, जल्दी बता किसके लिए फोन किया है? हम सारे दोस्त मिलके एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलने लगे हैं, तो तू भी। अच्छा तू अमंग अस की बात कर रहा होगा? हाँ चल मिलके खेलते हैं सारे भाई। मैं फॉल गाइस की बात कर रहा हूं, तेरे पास नहीं है? नहीं, मेरे घर तो बड़ी शौकिया मार रहा था, बता। हाँ कंप्यूटर तो है मेरे पास, लेकिन ना। हेलो हेलो टोनी, मुझे तेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो यार, पिछले हफ्ते तो उसके घर बड़ी शौकियाँ मारी थी कि मेरे पास कंप्यूटर है, अब तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ यार, बाबा किस काम आएंगे, अभी उनसे मांगता हूँ।
तो दोस्तों अगला जोक हमारा ये है कि अगर नेटफ्लिक्स देखते हुए नेट आपका चला जाए तो क्या करेंगे? नेटफ्लिक्स। ओ बड़ी मजे की वीडियो। बाबा मैं उदास हूँ, बहुत रोना आ रहा है मुझे। बेटा अगर तुम उदास हो तो ये ठंडे जोक सुन लो, बहुत कमाल के। ओ बाबा मजाक ना करें प्लीज। अच्छा चल बोल तुझे क्या चाहिए। मुझे ना एक पीसी चाहिए। पीसी? ओह तू पकोड़ा और चटनी की बात कर रहा होगा। जा मेरे ड्रॉर में 100 रुपए पड़े हैं, मेरे लिए भी ले आए चटनी के साथ। ओ बाबा पीसी वो पकोड़ा चटनी की बात नहीं कर रहा, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या पर्सनल? ओए कैमरामैन जूती पकड़ा। नहीं पापा नहीं नहीं। ओए नहीं ये पुराना वाला है, दूसरा पकड़ा। हाँ तुम्हें बड़ी प्राइवेसी चाहिए अपने कंप्यूटर में हैं? बेटा ये यूके नहीं है, पाकिस्तान है। यहाँ पे बच्चे बाल छड्डों के बगैर घूम रहे थे, उन्हें प्राइवेसी नहीं चाहिए, तुम्हें बड़ी प्राइवेसी आ गई है। हाँ अगर सादा कंप्यूटर लेके जाना होता है ना, देन आई कैन, यू मीन आई कैन कॉर्पोरेट विद यू, लेकिन ये काम नहीं चलेगा बच्चे। बाबा पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और पीसी और कंप्यूटर एक ही चीज होती है। हाँ प्राइवेसी नहीं है उसमें, ऐसा कंप्यूटर जिस पर गेम चल जाए। अच्छा वो वाला कंप्यूटर जिसको सुपर मारियो खेलते थे? हाँ वो मेरे ऊपर छत पे पड़ा, जाओ ले लो। पापा जानी प्लीज मुझे उस सफेद कूड़े के डिब्बे का बहाना लगा के ना टालिएगा, उसमें तो आपने 100 साल के परिंदे पाले थे, वो भी मर चुके होंगे अंदर। ओ उस कूड़े के डिब्बे को तो कोई साइकिल वाला भी ना खरीदे। अगर आपने मुझे ना लेके दिया ना नया कंप्यूटर तो मैं मामा को बता दूंगा कि फरद कौन है। फरद? यही कोई डिस्पेंसर होगी बेटा फरद। और अगर ना लेके दिया ना मुझे नया कंप्यूटर, मैंने बता देना मामा को कि फरद के साथ आपके चक्कर चल रहे हैं। तो ठीक है डन हो गया, मैं बताने जा रहा। अच्छा नहीं 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 बेटा रुक जा, कंप्यूटर तुझे मिल जाएगा, इतनी छोटी सी चीज के लिए तू इतना बड़ा काम करने जा रहा है। अच्छा चल ठीक है फिर पक्का तेरा कंप्यूटर, एंजॉय करी। अच्छा चलो डन, लेकिन अगर आप मुझे नया लेके ही दे रहे हैं तो कोई सबसे अलग सबसे जुदा और एंड लेवल का कंप्यूटर होना चाहिए। ओ बेटे तू फिक्र ही ना कर, तुझे ऐसा आला तरीन और नया कंप्यूटर ला के दूंगा ना, अलग एंड लेवल का, तू याद करेगा। बेटा कंप्यूटर तो मैं तेरा ला दूंगा, ये यूट्यूब पे एक चैनल है कजन प्रोडक्शन, बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं। अच्छी वीडियोस बनाते हैं। ओ हाँ हाँ अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए तो सब्सक्राइब किया है। आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, और हमारी लेटेस्ट वीडियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चल जा तू एंजॉय कर तेरा कंप्यूटर पक्का। ओ बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश पापा जी। हाय आज तो संडे, आज तो पूरा दिन यूट्यूब की वीडियोस देखूंगा, आज तो ऑफिस से भी छुट्टी है। हैं? ओहो टीटू का कंप्यूटर लेना था, अब मैं छुट्टी के दिन तो उसका कंप्यूटर लेने के लिए जाया नहीं करना चाहता। एक काम करता हूँ दराज पे ऑनलाइन ढूंढ लेता हूँ, जमाना ऑनलाइन हो गया तो मैंने कहा वाईफाई चला के मैं भी ऑनलाइन हो जाता हूँ। हैं यार ये तो बड़े बड़े महंगे हैं, 40,000, 50,000, 70,000। ओह नो एक काम करता हूँ यूट्यूब पे कोई अच्छी सी वीडियो देख लेता हूँ, हो सकता है वहाँ पे कोई मिल जाए। बेस्ट पीसी इन बजट फॉर योर नोटिसन। क्यों आपके बच्चे आपको पीसी लेने के लिए तंग करते हैं? हाँ हाँ मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं कंप्यूटर लेने के लिए, कोई सलूशन? सोल्यूशन है ना अंकल, हमसे आप सस्ते से सस्ता पीसी भी ले सकते हैं। वाह यार ये तो बड़ी अच्छी ऐड है, इन्हीं को फोन करता हूँ। क्या नंबर था? 00112233445566। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू पोटैटो पीसी शॉप। जी मुझे ना अपने बेटे के लिए एक पीसी चाहिए अच्छा सा, इन बजट। सर इन बजट में हमारे पास 20,000 और 40,000 के पीसीज भी मौजूद हैं। भाई साहब इतने महंगे बता रहे हो, एक काम करो 80 रुपए के दर्जन पीसीज करो। सर आपने कंप्यूटर लेने के लिए फोन किया है कि सब्जी के लिए?
यार भाई आप कमाल की बात करते हो, आप ही ने तो YouTube की वीडियो में लिखा था कि पोटैटो पीसी, और आपको तो पता है कि सर्दियां आ रही हैं, आलू बहुत महंगे हैं, कस्टमर बनाने वाली बात करो। हैं स्पेशल ऑफर? हाँ बताओ ये स्पेशल ऑफर क्या है? सही में फ्री पीसी और 3 किलो आलू? चलो डन कर दो, भेज दो। ओके अल्लाह हाफिज। वाह क्या डील मिली है कसम से। पापा जानी? हाँ बेटा क्या है? पापा जानी आज कंप्यूटर लेने जाना था मेरा, याद है ना आपको कल का वादा? हाँ फिक्र ना कर, मैंने तेरा अभी ऑनलाइन ऑर्डर दिया कंप्यूटर का, वो कह रहे हैं कल तक आ जाएगा। ओ अच्छा मंगवा दिया आपने, चलें थैंक यू। हाँ जयश कर, बच्चे भी ना आजकल के। One eternity later. वो ये इतनी रात को कौन आ गया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सर आपका कंप्यूटर जो आपने मंगवाया था। हाँ लाओ दो मेरा कंप्यूटर। थैंक यू। तो वो आलू है ना इसके अंदर? क्या मतलब सर, ये कंप्यूटर है भाई, मैंने फ्री कंप्यूटर मंगवाया था जिसके साथ 3 किलो आलू की डील भी थी। पता नहीं सर। चलो निकलो, शाबाश शाबाश, निकलो निकलो सर। वो सर वो टिप मेरी टिप सर। टीटू ये देख। हाँ बाबा। मैं तेरा कंप्यूटर ले आया हूँ। वही मेरा कंप्यूटर आ गया। लाए लाए मुझे दे। वजनी बहुत है। हाँ टीटू तेरा कंप्यूटर आ तो गया है, और देख उसने मुझे ना एक पेपर भी दिया जिसपे लिखा है स्पेसिफिकेशन। पढ़ के दिखाएं क्या क्या है अंदर। अच्छा इसमें है इंटेल पेंटियम 4, 2 GB का रैम। बस 2 GB रैम? अच्छा ये बताएं ग्राफिक कार्ड कौन सा है? नहीं ग्राफिक कार्ड तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ना उसने मुझे ग्राफिक कार्ड दिया, ना उसने मुझे ATM कार्ड दिया, ना क्रेडिट कार्ड दिया, पता नहीं क्या है ये चीज़। ओए इतना खटारा कंप्यूटर ला के दिया। बेटा मुझे YouTube पे ना एक डील मिली थी जिसमें कह रहे थे कि एक पोटैटो पीसी और साथ 3 किलो आलू और कंप्यूटर फ्री दे रहे थे। मैंने कहा अभी इससे अच्छी ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकती, तो मैंने यही कंप्यूटर ले लिया। बाबा इससे अच्छा तो ऊपर जो आपका सुपर मारियो वाला पड़ा था ना, वो ही कबाड़िया ठीक था। एक तो तेरे बाप ने तुझे कंप्यूटर लेके दिया, ऊपर से तू नखरे करता है। चल चुप करके चला के देख इसे। 5 minutes later. अच्छा बेटा सारी तारें लग गई हैं ना, मैंने कंप्यूटर तो सारा सेट कर लिया, लेकिन इसमें मुझे पावर बटन नहीं कहीं नजर आ रहा। पावर बटन कहाँ पे है? हैं? पावर बटन ही नहीं है, उसके बगैर कंप्यूटर कैसे चलेगा। हाँ ये ले चाबी। अच्छा इस चाबी से कंप्यूटर खुलना है और अंदर पावर बटन है ना? नहीं इस चाबी से कंप्यूटर स्टार्ट होना है। हैं? ओ बाबा जानी अब कंप्यूटर लाए कि जनरेटर, ये चाबी से चलता है। बेटा तूने ही तो कहा था कि सबसे अलग सबसे जुदा और एंड लेवल का कंप्यूटर होना चाहिए, अब लेवल इससे एंड थोड़ी हो सकता है। ओह अच्छा रुक जा मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। चल ही नहीं रहा, अभी चल भी नहीं रहा, मुझे लगता है कि वो बंदा ना खराब कंप्यूटर दे के गया है। हाँ बेटा ये मुझे पता चल गया क्यों नहीं चल रहा, इसमें ना पेट्रोल खत्म है। हैं? ओ ये पेट्रोल पे चलता है, क्या खटारा कंप्यूटर ले गया है कसम से। बेटा मैंने पहले ही कहा था कि ये कंप्यूटर एंड लेवल का और सबसे जुदा है, तो ये इस चाबी से स्टार्ट होगा और ये पेट्रोल पे चलेगा, समझ आ गई है मेरी बात? लाल। हाँ चल मैंने पेट्रोल तो भर दिया है, अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। हाँ देखा ना अब स्टार्ट हो गया है, तू खामखा टेंशन लेता है, चल इंजॉय कर। इंजॉय इंजॉय, इतना खटारा कंप्यूटर ला के दिया मुझे, चलो अब जो है उसी से काम चला लेता हूँ। 12 seconds later. ओए वाह इस पे तो GTA 5 पहले की इंस्टॉल हुई हुई है, चला के देखता हूँ। Meanwhile. ओए मुबशिर मुबशिर ये लोग नहीं मार रहे, मैं बॉम्ब प्लांट करने लगा हूँ, तू जल्दी से एरिया के बाहर जा। हाँ 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 मैंने बॉम्ब प्लांट कर दिया है, बॉम्ब फटने लगा है। 3 2 1 ये क्या हुआ है? ओ मैंने तो गेम में बॉम्ब प्लांट किया था।
ओए तुझे क्या हुआ है? बाबा वो जो आपने एंड लेवल का पीसी लेके दिया था ना, उसका एंड हो गया। ओ अच्छा, पीसी फटा। मैंने उस कंप्यूटर को घर में बर्दाश्त नहीं करना, उसे सही कराए और आर्मी में दे के आए। एटम बम से बड़ा धमाका किया उसने। इंडिया को भी तबाह कर दे। 24 hours later। तो ये है T2 का कंप्यूटर। यार ये तो बड़ा जबरदस्त कंप्यूटर है, पता नहीं वो ना लाइक क्यों हर बात पे शिकायत करता रहता है। चलो फिलहाल मैं तो अपना काम करने आया हूँ, अपने बॉस को ईमेल भेजनी है। हाँ ये खोली जीमेल और अब अपनी जीमेल लगानी है। हाँ पापा जानी ऑफ T2@gmail.com। हाँ ये मेरी आईडी खुल गई, अब ये वाली ईमेल सेंड करनी है। हाँ ये हो गई ईमेल सेंड। भाई मेरा काम तो हो गया, अब पूरी ना छुट्टियां एंजॉय करूंगा। The next day. बाबा हाँ क्या हुआ है? हैं पापा कंप्यूटर कहाँ पे गया? ओ बेटा दरअसल बात ये है, कंप्यूटर मैं बेच आया हूँ। देखा अब यकीन आया ना आपको, मैं पहले ही कहता था कि वो खराब है, लेकिन आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। हाँ यार तू बिल्कुल सही कह रहा था, वो कंप्यूटर ही खराब है, मैंने बस बेच दिया वो कंप्यूटर, मेरा दिल नहीं लगा उस पे। लेकिन ये तो बताएं आपने उसे बेचा क्यों है? बेटा मैंने तुमसे चाबी मांगी थी ना उस कंप्यूटर से अपने बॉस को ईमेल भेजने के लिए, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छुट्टी का दिन है तो मैं ना उस पे जरा GTA Vice City खेल लेता हूँ, तो मैंने ना उस पे GTA Vice City डाउनलोड करके चलाई, उस पे GTA Vice City चल गई। ओहो पूरी बात तो सुन ले, वो ही तो नहीं चली, एरर आ गया था। यही उम्मीद थी मुझे उससे, तो ना उस एरर पे लिखा हुआ था प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हाँ ये हो गई ईमेल सेंड। भाई मेरा काम तो हो गया, अब पूरी ना छुट्टियां एंजॉय करूंगा। लेकिन आज छुट्टी का दिन है, सोच रहा हूँ GTA Vice City खेल लेता हूँ, इस पे तो वो चल ही जाएगी, अब ये इतना खटारा कंप्यूटर भी नहीं है। चलो वाह यार ये तो चल गई है। क्या प्रेस एनी की टू कंटिन्यू? अच्छा ये उसी चाबी की बात कर रहा होगा जिसे मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया है। ये भाई चाबी हैं, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, पक्का ये कंप्यूटर खराब ही देके गया। T2 सही कह रहा था, ये कंप्यूटर है ही खराब, मैं इसे आज बेचने। तो अब जिस चाबी से मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था ना, मैंने उस की को दबाना शुरू कर दिया, तो उससे कुछ हो ही ना। मैंने घर की हर चाबी को दबा छोड़ा लेकिन कुछ भी ना हुआ। फिर मैंने कहा कि नहीं चाबी में कोई फॉल्ट नहीं हो सकता, ये कंप्यूटर ही खराब है, मैं कंप्यूटर बेच आई हूँ। ओए ओए कीबोर्ड को दबाना था, कसम से यार लगता है कंप्यूटर की तरह ना इसका भी दिमाग खराब हो गया, इसे भी बेच ही देता हूँ, मेरे पैसे ही खाता रहता है।